खेल विभाग के अंतर्गत जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे जो है एक लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 4 करोड़ की लागत का निर्माण कार्य है और उसमें लॉन टेनिस कोर्ट सिंथेटिक उस पर बनाया जाएगा। साथ में वहाँ पर जो है बैठने के लिए विजिटर्स गैलरी और प्लेयर्स के लिए चेंजिंग रूम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ पर निरीक्षण किया, निरीक्षण के समय संबंधित पेयजल निगम जो निर्माणदायी संस्था है उनके भी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे और निर्माण का प्रगति अभी थोड़ा धीमा गति से चल रहा है। हम लोगों ने आज निरीक्षण किया, संबंधित जो कार्यदायी संस्था है और जो ठेकेदार है उनको निर्देश जारी किया है कि आप जो है इसको समय जो आपको निर्धारित है उसी समय पूर्ण करें। दिसंबर माह के तक जो है इसको पूर्ण करने का समय सीमा जो है उन्होंने अपना अभी बताया है, उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। साथ में जो रांची स्टेडियम में सेकेंड फेज के कार्य के लिए जो DPR तैयार किया गया है उसका भी निरीक्षण किया है। वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल, साथ में वहाँ पर इंडोर मल्टीपर्पज़ हॉल, वॉलीबॉल कोर्ट और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स इसका निर्माण कार्य किया जाना है। उसके लिए लगभग 22 करोड़ का लागत उसमें आने की संभावना है, उसकी शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुका है और अभी टेंडर प्रक्रिया गतिमान है, जल्दी से कार्य शुरू हो जाएगा ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। संबंधित जो उसके कार्यदायी संस्था है उनसे भी आज चर्चा किया है और उसमें जो आवश्यक रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में जायज़ा लिया गया है। जो भी उसमें कमियां प्रदर्शित हुआ है उसको हम लोगों ने संस्था से बात करके उसको अगली DPR में शामिल करने के लिए निर्देश दिया।